ये लो अपनी कुल्फी तो आवी। हेलो गाइस, फ्राइडे मॉर्निंग एंड स्टार्ट ऑफ द वीकेंड। लिटिल एक्साइटेड होने का कोई रीज़न नहीं है वैसे यार, ठीक है। दो दिन की छुट्टी आ रही है, पूरे हफ्ता वाट लगी रही तो इसलिए लिटिल एक्साइटेड। निकला हूँ अभी घर से और आज पहला काम है आई हैव टू गो एंड विजिट अ डॉक्टर जिनको मैं रेफर कर रहा हूँ अपने फादर के लिए। आई हैव टू गो एंड शो हिम द रिपोर्ट्स एंड आज देखते हैं। वीकेंड का स्टार्ट है एंड क्या प्लान है। वैसे कुछ खास प्लान नहीं है, घर पर ही हूँ, थोड़ा बहुत काम निपटाना है और यूजुअल वीकली रिपोर्ट्स, वीकली रिव्यूज़ और उसके बाद घर जाके देखते हैं क्या प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई एम एक्साइटेड एट द ऑनसेट ऑफ द वीकेंड, दैट्स ऑल। एंड देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। आई विल कीप यू पोस्टेड, विल शेयर द डेवलपमेंट्स ऑफ द डे एंड सी यू ऑन द अदर साइड। सी यू एंड यू गाइस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। सी यू। आज पता नहीं क्यों लाउड प्ले करने का दिल कर रहा है। फ्राइडे मौसम तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मौसम तो खैर वैसे ही गर्म नॉर्मल जैसा दिल्ली में होता है। बट लेट्स सी, पंगा ही है गाने डालने का, गाना चलाने का, कॉपीराइट का। बट चल भाई आज बहुत दिनों बाद D&D वाला रूट लिया है। देखते हैं, ITU अवॉइड करना चाहता था ट्रैफिक के लिए, अब देखते हैं D&D पे कैसा होता है। एंड मुझे नहीं याद लास्ट में कब D&D से आया था, बट देखते हैं। ठीक है, चांस लिया, होपफुली इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो मोजिन ट्रैफिक होता है जहाँ आश्रम वाली रोड मिलती है, वहाँ एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा ट्रैफिक हो सकता है वहाँ पे, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो। ये भाई साहब ने क्यों रोक के रखा हुआ है? अच्छा, सैंड माफिया। सही है, सही है। ये है क्या, दिल्ली पुलिस या UP पुलिस? दिल्ली पुलिस आई थिंक। यार सही है, काफ़ी खड़े लोग यार। यमुना जी में पानी है? हाँ है, जो थोड़ी बहुत बारिश हुई और जो पीछे हरियाणा से आया होगा मुझे लगता है वही है। एंड लेट्स सी, अभी तक तो D&D वाला ट्रैफिक नॉर्मल है, आगे देखते हैं कैसा मिलता है। एक्सपेक्टेड वही आश्रम के पास हम लेंगे बारापुला से डेफ कॉल से मूलचंद होते हुए विल रीच साकेत। सो दैट्स आर डेस्टिनेशन, फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे। एंड ऑन माय वे बैक आई विल टेक अ हॉल्ट एट CP, कुछ काम है, एंड देन विल हेड बैक होम एंड कैरी ऑन विद आवर रेगुलर यूजुअल ऑफिस वर्क। सी यू। अबे ये सुपरटेक वाले ने बीच में क्यों लगाया हुआ है, क्या है ये बे? सही है, सही ब्रांडिंग के लिए जगह चुनी है, गुड है। तो भाई साहब, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ये तो उससे पहले ही बहुत लंबा जाम है। अभी तो वो जो कट आता है जहाँ मर्जिंग ट्रैफिक आश्रम वाला, वो तो रोड दूर है। लग गई वाट, फंस गए। और दिखाओ स्मार्टनेस। इससे तो यार अपना नॉर्मल वाला IT वाला रूट ही ठीक था। चलो देखते हैं, मूव थोड़ा सा किया है एट स्नेल पेस एंड आई शुड ट्राई एंड कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड अनलेस आई गेट अ चांस टू ड्राइव थ्रू, अदरवाइज आई गेट स्टक बैडली। और जो मेरे को लूप लेना है बारापुला वाला, वो मैं नहीं ले पाऊंगा। सो गाइस, लेट मी ट्राई एंड कम ऑन द लेफ्ट। अच्छा नहीं, अभी थोड़ी सी स्पीड बनी है। आ जाओ लेफ्ट में। सो गाइस, जाम तो अभी भी लंबा है और देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है।
इंटरेस्टिंगली मेरा बेटा उस दिन मुझसे पूछता है कि पापा आपको दिल्ली के सारे रास्ते कैसे पता है। मैं कहा बेटा सेल्स में होने का यही फ़ायदा है कि सेल्स आपको जिस भी आप शहर में हैं आपको रास्ते जिस शहर में क्या उसके अलावा भी जो बाकी शहर आप जाते हैं आपको रास्ते सिखा देता है। और दूसरा दिल्ली में पला बड़ा हूँ तो ऑब्वियसली, बट हाँ बीइंग इन सेल्स प्रोफेशन दिल्ली के मोर और लेस सारे रास्ते पता हैं। और जो शॉर्टकट लेना चाहते थे बारापुला के ले लो भाई साहब, बारापुला के तो एंट्री के ऊपर ही मैसिव जैम लगा हुआ है। आई थिंक ट्रैफिक वाला शायद ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है इसलिए शायद जैम है कि पैचेस में ट्रैफिक को छोड़ रहा है। बट हाँ जो लूप बारापुला वाला पूरा जैम पैक्ड है। ओके निकलो भाई साहब, आप ईवी वाले हो, आपका पहला राइड बनता है, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी चला रहे हो, हम तो एनवायरनमेंट की एस्तेसी कर रहे हैं पेट्रोल से और अपने भी कर रहे हैं जेब की एस्तेसी। तो बेटे सेल्स की वजह से रास्ते पता लग गए, बट बेटा आइयो मत सेल्स में, वाट लग जाएगी। जस्ट जोकिंग, आई लव माई जॉब एंड आई लव डूइंग सेल्स एंड दैट इज वाई आई मीन आई एम इन अ सेल्स प्रोफेशनल, इसीलिए सेल्स के प्रोफेशन को मैंने चूज किया था। अदरवाइज लाइकवाइज लाइक माय फादर आई कुड हैव डिसाइडेड टू गेट इनटू रिसर्च डू पीएचडी एंड बट देन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, माय इंटरेस्ट वाज समथिंग एल्स एंड दैट इज व्हाट आई परस्यूड एंड दैट इज व्हाट आई टेल माय किड्स आल्सो। अपने बच्चों को यही बोलता हूँ जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करो, डोंट गो बाय व्हाट आई से और व्हाट देयर मदर टेल देम, वो करो जो अच्छा लगता है जो करना चाहते हो। चलो बात करते करते कम से कम लूप का ट्रैफिक खुला और इस बारे में नंबर आ जाए बस। भाई साहब खाना तो कम से कम खा लो आराम से, ये देखो ये भाई साहब खाना खाते हुए भी पूरा मशगूल है। यूवी खाना खाते हुए तो गेम छोड़ दे भाई, ध्यान से देखो इस इंसान को, ये वो इंसान है जो हमेशा अभी कौन सी गेम खेल रहा है, पावर स्पाइडर, ध्यान से देखिए इस इंसान को जो खाना खाते हुए भी वीडियो गेम खेलता है। क्या खाएगा आज? रोटी पनीर। रोटी दिन में भी रोटी पनीर, रात में रोटी पनीर। भाई वीकेंड है, मैं तो अपने लिए टॉर्टिला बना रहा हूँ। खाएगा टॉर्टिला? हाँ मैं भी। भाई साहब आप टॉर्टिला खाओगे? टॉर्टिला ही होता है मेरा। मैं बना रहा हूँ टॉर्टिला। अबे रोल समझ ले यार, रोल टाइप का। तू खाएगा? तूने खाना है? मैंने तो नहीं खाना। चलो ठीक है तेरा फाइनल, इसका देखते हैं। आ जा बनाते हैं किचन में, आज हम अपने शेफ का लेकर आए। मैं बना लूं टॉर्टिला, तू खाएगी नहीं खाएगी? नहीं खाएगी। सो सामान तो रेडी है भाई, काट कूट के और ओ पनीर ले लेते हैं थोड़ा सा और कैप्सिकम। कोई चीज ऐसी है भाई जो तेरे को कम चाहिए? कैप्सिकम ही। कैप्सिकम कम चाहिए? हाँ। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, टमाटर ले लेगा? हाँ? हाँ। अच्छा ये सब मिक्स किया और ये मेरे सैलेड के तौर पे भी काम आ जाएगा, डाल देता हूँ तेरे हिसाब से कम कर दूंगा। हाँ। और ये मैंने सब मिक्स कर दिया, ये रही सीजनिंग, ये रहे चिली फ्लेक्स, ये थोड़ा सा पनीर डाल देते हैं। तो हम आज देसी वाला बनाते हैं भाई। हाँ। मतलब टॉर्टिला कम, होममेड रोल राइट। देखिए इसमें है कुछ मेयोनेस, इसमें है अदरवाइज ये वाली इसमें आएगा। ओप्स ये मेयोनेस गई और मेयोनेस गई और मेयोनेस गई। टॉर्टिला वाले वो कहाँ है, वो फ्रिज से निकाल दी? हाँ शायद मम्मी ने निकाल दिए थे। हाँ नहीं दिख तो नहीं रहे। पक्का? देखता हूँ, देख ले एक बार जाके देख क्या, फिर आप देख अगर फ्रिज में है निकाल दे, देखते हैं है कि नहीं। नहीं मम्मी ने नहीं निकाला। इसमें से तो मोर और लेस निकल आया। रुक मैं एक सामान ले आऊं फ्रिज में से। सो अब डालते हैं स्टाइल वाले डालें, वो कैसे डालता है ऐसे? हाँ, हाँ, पता लगे उस स्टाइल के चक्कर में सारी नीचे गिर गई है। चिली फ्लेक्स और डालूं?
नहीं चले गए हाँ काफी सीजनिंग सीजनिंग सारी डाल देता हूँ थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा चलेगा हाँ चलेगा पक्का हाँ ठीक है मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे को हाथ हैंड वॉश दे मुझे लगता है थोड़ा सा ना मेयोनीज और डालेंगे और थोड़ी सी मेयोनीज डालते हैं ताकि थोड़ा सा क्रीमी बने ओके कोई बात नहीं वर्कआउट कर रहे हैं भाई थोड़ा सा फैट खा सकते हैं वीकेंड आज तो हाँ वीकेंड हाँ वीकेंड है सो वीकेंड ब्रेक और चीट मील हमारी आज की तैयार हो रही है एंड दूसरी चीज़ क्या थी यार मैं भूल गया एक चीज़ तेरे को और बोलनी थी मेरे को हाँ यार अभी इसके बाद ना वो ख़त्म हो रहे हैं पेपर नैपकिन्स ठीक है वो निकाल के रखिएगा टेस्ट करेगा अभी हाँ। कि और स्पाइसी होने की ज़रूरत है या ठीक है मम्मी को दिखाते हैं मम्मी टेस्ट सो हमारा टॉर्टिला के लिए रोल के लिए मसाला रेडी है एक बार टेस्ट करके देखते हैं परफेक्ट एक स्पून तू लेके देख नहीं मैं नहीं अभी मैं सीधा टॉर्टिला में टॉर्टिला में एक टेस्ट तो करके देख कि नमक वगैरह ठीक है सीजन वाला लो नहीं चिली फ्लेक्स कुछ नहीं और हाँ सही एकदम सो डन है अब बस रोल को रैप को गर्म करेंगे उसमें लगाएंगे और देन हमारी वीकेंड पार्टी चालू पारी हो रही है पारी 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 सो गाइस रेडी है आज पूरा पार्टी मूड है विल हैव टॉर्टिला मी एंड मिट्टू एंड उसके बाद फिर आज यार आज गर्मी बड़ी है सारा दिन में तीसरी बार मैंने टी शर्ट चेंज की है यार एंड आज फाइनल क्या करें कुल्फी खाएंगे लेट्स गो एंड गेट कुल्फी स्टिक वाली कुल्फी सो गाइस आई होप यू आर ऑल्सो हैविंग अ गुड वीकेंड एंड सी यू ऑन द अदर साइड बाय तो हम निकले हैं अब कुल्फी लेने आज ऐसा प्लान बना है कुल्फी खाने का याद भी नहीं लास्ट हमने कब खाई थी पीली वाली कुल्फी बहुत पहले शादी में कभी है? शादी में कभी चलो आज ट्राई करते हैं बहुत दिन हो गए बहुत टाइम हो गया आज ट्राई करते हैं लास्ट क्या खाई थी कुल्फी फलूदा खाई थी हाँ है ना हाँ देखते हैं लेट्स ट्राई नया एक्सपीरियंस है ये भाई ये लो अपनी कुल्फी तो अभी टेस्ट करके देखते हैं रेडी वाली की और इसमें देखते हैं क्या फर्क होता है रेडी वाली तो बहुत खाई है आज देखते हैं भी खा के देखते हैं गिर रही गिर रही गिर रही कहाँ गिर रही है पता नहीं पानी था नहीं, नहीं। मम्मी मम्मी कहाँ गई तू खाएगा यूपी चीयर्स अबे ये तलवार अबे यार अबे टूट जाएगी चीयर्स चीयर्स हाँ तू पी ले कोक और पेप्सी अच्छी है Too much.